हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त भमरा। आप देख रहे हैं इंजीनियर ऑन रोड। दोस्तों आज मैं आपको लेकर आ गया हूं एसटैक 2022 में, जहां पर काफ़ी सारी कंपनियों ने स्टॉल लगाया हुआ है। और आज मैं आपको लेकर आ गया हूं एक ऐसे कंपनी के स्टॉल पर जो काफ़ी तरीके के ये आइटम्स मैन्युफैक्चर करते हैं और काफ़ी सारे बिजनेस में है और वर्ल्ड फेमस कंपनी है। आज इन्हीं से बात करने वाले हैं। अगर आपको इन प्रोडक्ट्स की नीड है या इस तरह के बिजनेस में आप आना चाहते हैं तो वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो हेलो सर, कैसे हो? बहुत बढ़िया, थैंक यू। एक बेसिक इंट्रोडक्शन देंगे अपना सर। माई सेल्फ आशीष एंड आई एम अ सेगमेंट हेड हियर। आई टेक केयर फॉर 3 सेगमेंट्स पैन इंडिया, व्हिच इज एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड गवर्नमेंट। एंड इफ आई टॉक अबाउट जॉनसन, इट इज़ अ 64 ईयर यंग कंपनी। इट इज़ नॉट अ ओल्ड, इट इज़ अ यंग कंपनी। वी आर स्टिल इनोवेटिंग मैनी प्रोडक्ट्स। सो एक 64 साल की लीगेसी होना छोटी बात नहीं होती है। अगर आप बात करते हो टाइल इंडस्ट्री के अंदर में, तो नेम इट स्टेन फ्री, जम फ्री, एंटी स्टैटिक, रेडिएशन शील्डिंग, टैक टाइल्स, डिजिटल टाइल्स, विट्रीफाइड टाइल्स, ये सब इनोवेट जॉनसन ने किया एंड बहुतों ने इसको फॉलोअप बाद में किया। सो बोल सकते हो कि हम लोग इनोवेटर हैं या लीडर्स हैं इनोवेशन में। जैसे यहाँ पर टाइल के बिजनेस के अलावा और भी काफ़ी सारे बिजनेस है, उसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हैं सर? जॉनसन की प्रिज्म जॉनसन इज़ अ ग्रुप, जिसके अंदर हमारे पास सिस्टर कंसर्न्स हैं, जैसे प्रिज्म सीमेंट, प्रिज्म RMC। फिर उसके बाद में हम टोटल ग्रुप की बात करते हैं तो एक्साइड बैटरी, यस, एक्साइड इंश्योरेंस, देन मतलब काफ़ी सारे वर्टिकल्स हैं। हमने आगे सेग्रीगेट किया हुआ है, हम होटल्स के अंदर भी हैं, ग्लोबस भी है रिटेल के अंदर। तो यहाँ पर आपने काफ़ी प्रोडक्ट शोकेस किए हैं, कि कुछ प्रोडक्ट के बारे में देख लेते हैं, मैन्युफैक्चरिंग क्वालिटीज के बारे में सर। श्योर, आइए सर, मैं पकड़ूँ उसको। सो टू स्टार्ट विद, जैसे ये प्रोडक्ट है हमारा, ये फुल बॉडीड प्रोडक्ट है। फुल बॉडी का मतलब ये ऊपर से लेके नीचे तक एक ही मटेरियल है, जैसे आपका पत्थर होता है, और ये पत्थर की परफेक्ट रिप्लेसमेंट है। पत्थर के अंदर आपको कई जगह पे डिफेक्ट्स मिल जाएंगे, ग्रेन्स आ जाएंगे उसके अंदर में, या जैसे लोट आप चेंज करते हो, हर लोट के कलर के साथ में वेरिएशन आ जाती है। वेयर एज दिस इज़ ए मैन मेड मटेरियल, नेचुरल मटेरियल से ही बना हुआ है, पर ये मैकेनिकली प्रोसेस्ड है। सो आपको जितना भी मटेरियल मिलेगा लगभग सारा सेम कलर का, सेम शेड का, सेम सिमेट्री मिलेगा। देन इसमें वेस्टेजेस नहीं होती बिल्कुल भी। पत्थर का आपको परफेक्ट साइज़ कभी नहीं मिलता, आपको काटना पड़ता है। वो एक थप्पी में से आप अगर 90 डिग्री पे काटते हो तो लगभग 20-25% की वेस्टेज होती है। इसके अंदर आपकी वो वेस्टेज नहीं होगी। साइज़ की लिमिटेशन हमने कवर कर ली है। थिकनेस आपकी 15 mm की। सो अगर मैं इसको पत्थर से कंपेयर भी करूँगा तो फर्स्ट कॉस्ट, सेकेंड क्वालिटी, थर्ड अवेलेबिलिटी, चौथा एनवायरमेंट, ये सारे फैक्टर्स हम इसमें विन-विन सिचुएशन में। ये है इंजीनियर्ड प्रोडक्ट है। हाँ, नेचुरल है, इट इज सिरामिक प्रोडक्ट, विट्रीफाइड प्रोडक्ट है, जीरो वाटर एब्जॉर्प्शन, पर ये आप बोल सकते हो कि रिप्लेसमेंट है नेचुरल स्टोन की। अच्छा, ये भी हाँ सेम प्रोडक्ट है, बट ये हमारा फुल बॉडी के अंदर आता है, वो ग्लेज्ड है। लुक भी शाइनिंग लुक है, काफ़ी कमाल का। एग्जैक्टली, आपको इसमें मैट चाहिए, मैट भी मिल जाएगा, ग्लोव चाहिए, ग्लोव मिल जाएगा, वो कलर्स उसके वहाँ सामने लगा रखे हैं सारे कलर्स। हाँ, सो टू स्टार्ट विद, हमारा एंड्यूरा इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स की रेंज है। जितने भी इसके अंदर प्रोडक्ट्स हैं सारे परफॉर्मेंस बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं। अगर हम इसी प्रोडक्ट से स्टार्ट करते हैं, सो ये कूल रूफ है। हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, कभी हम मंदिर या कहीं जाते हैं जहाँ पत्थर लगा होता है नीचे, सफ़ेद पत्थर, आप नंगे पैर नहीं चल सकते हो गर्मियों में, पत्थर गर्म हो जाता है। होता क्या है, एटमोसफियर का टेम्परेचर और पत्थर का टेम्परेचर में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है, जिसकी वजह से आप चल नहीं पाते। अगर आप ये वाली टाइल लगाते हो तो हीट को वापस रिफ्लेक्ट कर देती है। एक तो ये खुद गर्म नहीं होती, दूसरा जो नीचे का टेम्परेचर है वो सेम रहता है आपका, जो आपका बाकी के फ्लोर्स का टेम्परेचर है, टॉप फ्लोर का भी। सो लगभग 2-3 डिग्री आप इलेक्ट्रिसिटी, एसी की वो कूलिंग सेव करते हैं। अच्छा, टैक्टाइल्स, ये दूसरी इनोवेशन है हमारी। आजकल आप किसी भी रेलवे स्टेशन पे या किसी पब्लिक प्रॉपर्टी में जाते हो तो ब्लाइंड्स के लिए या विजुअली इम्पेयर्ड के लिए, जो भी स्पेशली एबल्ड हैं, सो उनको गाइड करने के लिए, रास्ता दिखाने के लिए, कि भाई आपको जो लाइनर्स देख रहे हो उससे दे विल फील कि हमें सीधा जाना है। जो आप ये बटन्स देख रहे हो इसका मतलब आपको वहाँ पे रुकना है। आप अभी मेट्रो स्टेशन से कभी ट्रैवल कर रहे होगे तो वहाँ पर भी ये टाइल्स लगती हैं, रेलवे स्टेशन पे भी टाइल लगेंगी, हॉस्पिटल्स में भी लगती हैं। तो एंटी स्किड होने वाला है एंड हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ, वो ये वाला प्रोडक्ट है एंटी स्किड। सो आपके काफ़ी सारे एरियाज ऐसे होते हैं जहाँ पर रैम्प्स बनते हैं। रैम्प्स आपके बनते हैं फिजिकली चैलेंज पीपल के लिए, राइट?
या आपको कोई ट्रॉली लेकर जानी है? रैम्स आपके बनते हैं फिजिकली एबल्ड पीपल के लिए, जहाँ आपको या तो स्ट्रेचर लेके जाना है या व्हील चेयर लेके जानी है या कोई ट्रॉली लेके जानी है, तो पहले एंटी स्किड बनाने के लिए हम ग्रेनाइट को एक ही ऊपर एक लगा के 3 इंच की पट्टी वो यूज़ किया करते थे, बट उसमें जर्क आता था, तो ऑलरेडी ये बंदा पेन में है, आप उसको और पेन दे रहे हो उसमें। सो अगर आप ऐसा कुछ प्रोडक्ट यूज़ करते हो तो हाथ लगाने में ये थोड़ा सा स्मूथ लगेगा। आप इस पर एक बार चल के देखो, आप खुद इसको मूव करो, इस पे पानी गिरा दो, तेल गिरा दो, आप इसे स्लिप नहीं कर सकते। आप एक काफी मतलब ऐसा लग रहा है कि चिपक जा रहा है, चिपक जा रहा है, आपको पकड़ के रखता है। सो आपका कोई ऐसा एरिया जहाँ पर रैंप बन रहा है या किचन है या बाथरूम है, उसके अंदर ये प्रोडक्ट जाना चाहिए फॉर योर ओन सेफ्टी, क्योंकि काफी प्रॉब्लम्स होती है बाथरूम में, कई बार लोग फिसल के हर्ट हो जाते हैं, तो वहाँ पर ये लगा सकते हैं। बिल्कुल लगा सकते हैं, वाटरप्रूफ प्रोडक्ट है। जब हम इस पे आते हैं तो ये रेडीमेड स्टेप्स हैं। जब हम पत्थर को रिप्लेस करने की बात कर रहे हैं तो सीढ़ियों के ऊपर, जीने के ऊपर सबसे ज़्यादा स्टोन यूज़ होता है। अब स्टोन में क्या है, वेस्टेज तो पहला पॉइंट आपका आ गया, दूसरा स्टेप्स पे जब कोई चलता है तो उसको डर लगता है कि मैं स्लिप ना कर जाऊँ इसके ऊपर से, तो उसके लिए हमने इसके ऊपर पॉजिटिव ये ट्रेड्स बनाए हैं पॉजिटिव इसके ऊपर में। आप जब चलेंगे तो ये आपके पंजे को आगे बढ़ने नहीं देता है, और फैक्ट्री से ही इसकी बुलनोजिंग बन के आती है। आपके लेबर बचती है, वेस्टेज बचती है और कॉस्ट बचती है। ये इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स हैं, एसिड एंड अल्कली रेजिस्टेंट प्रोडक्ट्स। इस पर किसी भी तरह का तेजाब गिरा लो, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड छोड़ करके, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड गोल्ड माइनिंग वगैरह में यूज़ होता है, विच इज़ स्टोन ईटर बोल सकते हो उसको, आप सिलिका ईटर बोल सकते हो। आप कंसनट्रेटेड H2SO4, कंसनट्रेटेड HCl, नाइट्रिक एसिड कुछ भी डालो इसके ऊपर, आप इस पर कोई इम्पैक्ट नहीं आता। हाई ट्रैफिक एरियाज में आप 60 टन का फायर टेंडर इसके ऊपर से चला दो, इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आता। तो ये जैसे आपने ये दिखाया टेराकोटा, ये कलर के नाम है, अच्छा कलर के नाम है, ये कलर के नाम है। इसी के अंदर आपको टेक्सचर बॉडी में जाना है तो पीछे ये प्रोडक्ट आ गया। बनाते हैं, मैन्युफैक्चर कहाँ करते हैं? हमारे खुद के प्लांट्स हैं, जो ये वाला रेंज है हमारा, ये बनती है देवास में, मध्य प्रदेश में, अपना प्लांट है, खुद का स्टाफ, खुद की मशीनरी और हाईटेक प्लांट है काफ़ी है। और मज़े की बात, हमारे पास खुद का IPNR है, इट इज़ अ बिग R&D सेंटर। हमारे ऑनबोर्ड साइंटिस्ट हैं जो ये सारे प्रोडक्ट्स डेवलप करते हैं। अब जैसे ये आप रेंज देख रहे हैं, ये स्विमिंग पूल की टाइल्स हैं। अब स्विमिंग पूल के अंदर जब आप स्टेप इन करते हो तो आपका पैर काफ़ी, स्किन बहुत सॉफ्ट हो जाती है, आपके हाथों की स्किन, आपके पंजे की स्किन बहुत सॉफ्ट हो जाती है। कोई भी अगर शार्प चीज़ होगी तो आपका हाथ कटेगा या पैर कटेगा। अब ये टाइल ऐसे डिज़ाइन की हुई है कि आप कितनी देर आप स्विमिंग पूल में रहें आपको कोई हार्म नहीं होगा। फीना स्टैंडर्ड्स जो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स हैं स्विमिंग पूल के लिए, ओलंपिक स्टैंडर्ड्स हैं, उन स्टैंडर्ड्स को फॉलो करके ये टाइल्स डिज़ाइन की हुई है। तो ये है कि सर आपने हर पूरे रिसर्च करके आपने सेक्शन वाइज बना रखा है और हर एक सेक्शन के लिए अलग अलग टाइल्स आप लेके आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपकी जैसी रिक्वायरमेंट है, जो नीड है उसके लिए हमारे पास में प्रोडक्ट है। ये ग्लेज विट्रीफाइड टाइल्स हो गई हैं। ग्लेजिंग के अंदर क्या है कि आप जो मर्जी डिज़ाइन, आप कहते हो कि आपको आपकी फ़ोटो चाहिए, हाँ, वो भी इसमें आ सकती है। डिजिटल प्रिंट हो जाएगा? डिजिटल प्रिंटेड ही है, दीज आर हाई डेफिनेशन प्रिंटेड। कई जगह मंदिरों में है या लोग घरों में अपनी पेंटिंग्स है या गॉड है उनको अपने जो भी टाइल्स है उस पर प्रिंट करवा लेते हैं, तो इस तरह से वहाँ पर आप प्रिंट करवा सकते हैं। वो आता भी है, बस बना बनाया आता भी है, जो आपके रेगुलर किचन हो गई उसके लिए आपके स्पेशलाइज टाइल्स आती हैं, प्रिंटेड टाइल्स आती हैं, वो सब ऑलरेडी अवेलेबल है। ये छोटे फॉर्मेट के अंदर जैसे आपको सबवे में टाइल्स यूज़ करनी है या कोई आपको खुद का ऐसा पैटर्न क्रिएट करना है तो आप इन टाइल्स को यूज़ कर सकते हो। ये हो गई या पीछे 4 इंच by 4 इंच की टाइल्स हैं जो ट्रेडिशनल एक लुक देता है आपको, ये काफ़ी अलग है। ये आपके पोर्च में यूज़ करने के लिए, ये भी एंटी स्किड टाइल्स है, आप इसको हाथ लगा के अगर फील करते हैं तो ये भी मैट फिनिश के अंदर एंटी स्किड है और इसमें पंच भी है, आपको वो टेक्सचर इसमें फील हो रहा होगा, जो डिज़ाइन है उसका आपको पंच फील होता है। तो जैसे ये साइजेस में क्या आते हैं, जैसे 30x60 सेम आपने यहाँ पर देखा हुआ? सर साइजेस के अंदर टाइल में आज की डेट में कोई लिमिटेशन नहीं है, हर चीज़ कस्टमाइजेबल है। मैंने बताया आपको हमारे खुद के प्लांट्स हैं जहाँ बनाते हैं, हम लोग आउटसोर्स, प्योर आउटसोर्सिंग नहीं करते हैं कभी भी। सो खुद का प्लांट होने का बेनिफिट यही है, डाईबॉक्स भी हम अपना लेते हैं, खुद ही बनाते हैं। सो आपको जो कस्टमाइजेशन करवानी है या कोई आप, मतलब आपके पास एक वॉल्यूम होना चाहिए, अगर आप वो फुलफ़िल कर सकते हो तो आप जो बोलोगे वो बन के निकल सकता है। आपको कोई प्रॉपर्टी उसमें ऐड करवानी है स्पेशल, फॉर एग्जांपल हॉस्पिटल्स के लिए हमारे पास स्पेशल प्रोडक्ट आते हैं जो जम फ्री टाइल्स हैं। अब जम फ्री करने को तो आप कोई भी टॉक्सिक कोटिंग कर दो
तो वो जम फ्री बन जाएगा, बट वो जब जम के लिए टॉक्सिक है तो आपके लिए भी टॉक्सिक है. हम लोग सिल्वर आइंस यूज़ करते हैं, जब ग्लेज डलता है टाइल के ऊपर उसी के अंदर डाल दिया जाता है वो, विच इज़ एब्सोल्युटली सेफ, और वो लाइफ टाइम के लिए वो प्रॉपर्टी रहती है उसमें. जैसे अभी कोविड गया है, यू नेवर नो आगे क्या क्या आने वाला है या क्या आ सकता है, सो फिंगर्स क्रॉस ना आए कभी ऐसा कुछ, पहले से तैयारी रहेगी तो. बट अगर ऐसे प्रोडक्ट्स हम यूज़ करते हैं तो वो आप एक तरह से वॉल पर टच करने से आप हाइजीन मेंटेन कर सकते हैं. इट इज़ अ सेफ प्रोडक्ट टू यूज़. सो यहाँ पर काफ़ी रेंज है, रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स काफ़ी है सर. जैसे एज ए बिजनेस देखिए, बिजनेस किस तरह से करते हैं आप? सर बिजनेस के लिए हमारे पास रिटेल भी है और हम लोग प्रोजेक्ट्स के अंदर भी है. सो दोनों मॉडल्स हम लोग फॉलो करते हैं. एज ए बिजनेस अगर कोई जुड़ना चाहे वो किस तरह से जुड़ सकते हैं, क्या कुछ क्राइटेरिया रहता है? क्राइटेरिया सर बिजनेस के लिए आपको प्रोजेक्ट डीलर बनना है तो उसके लिए अलग फॉर्मेलिटीज़ होती हैं. आपको रिटेल शोरूम खोलना है अलग फॉर्मेलिटीज़ हैं, आपको हाउस ऑफ जॉनसन खोलना है उसकी अलग फॉर्मेलिटीज़ हैं. सो मॉडल्स काफ़ी सारे हैं, उसके लिए समबडी हैज़ टू कनेक्ट विद अस, बैठ करके उसकी डिस्कशन कर सकते हैं. जॉनसन का ये बाथरूम डिवीज़न है, जॉनसन जेबीडी डिवीज़न, इसमें सैनिटरी वेयर और बाथ फिटिंग आता है. आप यहाँ से रेंज स्टार्ट कर सकते हैं. ये अपना वीवा सीरीज़ आता है, वीवा सीरीज़ में अपना ये अपना टैब देख रहे हैं बाथ फिटिंग, इसमें ये वॉल मिक्सर है, सावर है, टेबल टॉप हो गया, ये वॉलिंग हो गया जिसमें ग्लेज होता है ना, हम ग्लेज हाई ग्लेज का यूज़ करते हैं. वॉलिंग में भी अगर आप यूएसपी देखेंगे तो जो अपना सीट कवर है ये यूएफ सीट कवर है और डिटेचेबल है, मतलब इजी टू रिमूव है. अगर आप देखेंगे ना क्लिप से इजी टू रिमूव होता है. इसका बेनिफिट ये होता है कि ये इजी टू क्लीन होता है और हाइजेनिक होता है. इसमें एक्स्ट्रा फीचर भी देखिए आप, रिमलेस है, जो अभी अपडेटेड जो फीचर आ रहा है वो रिमलेस है. हाँ वो यूज़ करें. ऐसे में कई सारे डिज़ाइन हैं, आप देख लीजिए तो वो स्क्वायर हो गया. आपने ये वीवा सीरीज है, डेल्टा, फ्यूजन, एस्पू, तो हर एक का अलग अलग आपने वो बैच बना रखा है. ये मॉडल के हिसाब से बना हुआ है. हाँ, किसी किसी कस्टमर को ये मॉडल पसंद आता है, किसी कस्टमर को ये वाला मॉडल पसंद आता है. तो इसमें आप जैसे वॉलिंग भी देखेंगे तो स्क्वायर हो गया, थोड़ा ओवल हो गया, फिर स्क्वायर हो गया. तो वो डिज़ाइन के हिसाब से प्राइस भी वेरी करता है. तो क्या जैसे ये जो मटेरियल है, क्या स्ट्रेंथ किस तरह का रहता है? या ये तो एक क्ले से बनता है. हाँ जी, हाँ जी, क्ले से. तो स्ट्रेंथ अगर देखें, स्ट्रेंथ में जैसे अगर वॉलिंग की बात करें तो 350 केजी का एक टेस्ट होता है, मतलब लोड वेयरिंग टेस्ट होता है. अच्छा. मतलब उससे ऊपर का अगर बंदा कोई बैठता है ना तो दिक्कत होती है, उससे अगर नीचे बैठता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं. वो टेस्ट वेयरिंग होता है. हाँ, टेस्टेड होता है. अभी अपना ओमनी सूट आ गया, वन पीस को बोलते हैं हमने ओमनी सूट. ठीक है, आप ये देखेंगे वन पीस है ये. ठीक है, इसको वन पीस बोलते हैं. ठीक है, इसमें भी जो हम फिटिंग लगाते हैं वो जॉनसन की और हाई मतलब क्वालिटी का फिटिंग लगाते हैं. इसमें जो मैकेनिज्म होता है ना, फ्लशिंग सिस्टम, वही एक मेजर रोल प्ले करता है. अगर वो फिटिंग ख़राब हुआ तो सारी चीज़ ख़राब. ठीक, इसमें आप डिज़ाइन देखिए, ये ओवल हो गया, ये स्क्वायर हो गया, फिर अगेन ये स्क्वायर हो गया. ठीक है, ये वाला सेक्शन हमारा थोड़ा प्रीमियम सेक्शन है. इसको हम जॉनसन इंटरनेशनल बोलते हैं. ठीक, इसमें हम इंटरनल फिटिंग जो लगाते हैं हम गैबरेट की लगाते हैं. ठीक है, इसमें भी ये वॉलंग हो गया, ये ओमनी सूट हो गया. इसकी जो ग्लेजिंग होती है हाई ग्लेज होता है, इसको जिरकोनियम ग्लेज बोलते हैं, जिरकोनियम कोटिंग बोलते हैं. सो अगर कोई आपके इन प्रोडक्ट्स में इंटरेस्टेड है, आपके इन बिजनेस में इंटरेस्टेड है, कैसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं? हमारी वेबसाइट है, उस पर सारे नंबर हैं, लोकेशंस भी हैं सारी की सारी, हर जगह पे हमारे जोनल मैनेजर्स भी हैं, ऑफिसेज भी हैं. लेकिन जो उनका नियरेस्ट होगा कनेक्ट कर सकते हैं. ज़्यादा जानकारी के लिए आप वेबसाइट विजिट कर सकते हैं एंड डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. एंड सर एट लास्ट में आप अपनी कंपनी के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में हमारे दर्शकों को क्या बोलना चाहेंगे? सी इंडियन मेक है और मुझे लगता है हमसे पुरानी कोई भी कंपनी है टाइल इंडस्ट्री के अंदर. जितना एक्सपीरियंस हम लोगों को है और जो हम नई नई इनोवेशंस लेकर के आते हैं, आप उसमें बोल सकते हो कि हम लोग लीड कर रहे हैं. बहुत लोग फॉलो करते हैं, हम लोग लीड करते हैं. सो इन हाउस साइंटिस्ट होने का फ़ायदा यही है कि आपकी कोई पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट आती है इंडस्ट्री के अंदर, कुछ जनरेट हो रही है, तो हम उसको अपने R&D के अंदर टेस्ट करके हम एक नया प्रोडक्ट आपको दे सकते हैं. चलिए सर, थैंक यू सर बात करने के लिए. धन्यवाद.